नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला स्तरीय रामायण के जगदीश मंदिर प्रांगण में जिसमें टॉप की टीम रामायण मंडली शामिल हुई, जिसमें आधे आधे घंटे का समय दिया गया और जीतने वाले प्रथम आने वाली टीम को राज्य स्तरीय रामायण आयोजन समिति में दिया जाएगा। रामायण आयोजन कार्यक्रम में उपस्थित मौजूद रहे और भक्ति का काम किया जा रहा है। कहा जाता है कि राम पर वन गमन परिपथ भी निर्माण शुरू हो गया है। बता दें कि राम की माता कौशल्या की मंदिर राजधानी रायपुर के करीब चंदपुरी में बनाया गया है। लगातार छत्तीसगढ़ में राम और राम भक्तों की काम किया जा रहा है। यही नजारा आप देख सकते हैं नारायणपुर जिले का, जहां पर जिला स्तरीय रामायण प्रतियोगिता किया जा रहा है। यहां पर टॉप थ्री जो रामायण टीमें आई है और 6 अलग अलग ब्लॉक से आई है, नारायणपुर ब्लॉक से आई है। आप देख सकते हैं कि सभी अपने अपने वेशभूषा में धारण किए गए। यहाँ पर जज की टीम बैठी हुई है, यहाँ पर निर्णायक टीम बैठी हुई है। आप देख सकते हैं इनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा, फिर राज्य स्तरीय टीम में इनको भेजा जाएगा। हमारे साथ इधर देख सकते हैं अलग अलग विभिन्न टीमें आई हैं जो रामायण मंडली की है, जो अलग अलग ब्लॉक में स्तरीय जो ब्लॉक स्तरीय जो प्रतियोगिता हुआ था उनमें जीत कर आए हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए हैं। ये हम इनसे बात करेंगे। मां शारदा मानस परिवार नारायण, ये आप 3 दिन में आए हो रामायण गाथा कर? जी, हमारी मंडली निरंतर राम कथा का श्रवण पान करवा रही है करीबन 2015 से, और राम कथा ही एक मुक्ति का साधन है और मानव को सिर्फ अपने जीवन में मुक्ति ही। छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच के अनुरूप ही हो रहा है अभी जो यहाँ कार्यक्रम होगा, और इसमें जो प्रतियोगी भाग लेंगे और जो अच्छा गाएंगे उनको आगे की और स्टेज में उनके लेवल पर और गाने का प्रतियोगिता करने का मौका मिलेगा। मैं यही संदेश दूंगी कि ये जो प्रति रामायण था, जो हम लोग पहले कभी किसी अवसर पे ऐसे कुछ कार्यक्रम होता था या फिर त्योहार वगैरह ऐसे में गाया जाता था, लेकिन अभी इसको हमारे मुख्यमंत्री ने एक प्रतियोगिता के रूप में रखा, रामायण की भक्ति और फिर उसके राम भगवान के अनुरूप इस कथा को। और मैं सभी को बधाई दूंगी आगे जाने वाले लोगों को कि और आगे बढ़ें और अच्छे से करें। सबसे पहले तो श्री रामचंद्र की जय। आज जो है छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में जब से हमारी कांग्रेस पार्टी और आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, और ये यहाँ पर रामगमन और रामायण का जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहले से ही यहाँ पर राम को एक भाषा राम के नाम से जानते हैं, और जब भी यहाँ धान मिंजाई होता है तो सबसे पहले जब पहला जो गिनती होता है वो राम के नाम से होता है, और आज ये छत्तीसगढ़ इसको जो है बहुत ही एक जगह जगह पर एक राम के नाम में रामायण प्रतियोगिता किया जा रहा है, और अभी राष्ट्रीय लेवल में इसका बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। और पहले जो सरकार थी ये सब काम नहीं किया, जो इन लोगों ने केवल राम के नाम से वोट मांगने का काम कर रहे हैं और जो राम राज्य की बात नहीं करते, और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो है आज राम राज्य की कल्पना नहीं उसका एक अच्छा गांव तक काम कर रही है, ये बहुत सराहनीय है। जी, या छत्तीसगढ़ में जो माता कौशल्या है उनकी भूमि है और उन्हीं के सुपुत्र उन्हीं के भाता जो है राम है, और वो जहाँ जहाँ भी वो गए हैं वहाँ पर सर्वे हुआ है और उसका काम चल रहा है, और ये सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक वरदान और साबित होगा। और मैं यहाँ से जो टीम जाएगी उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वहाँ